पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 12 का करो या मरो का मुकाबला समाप्त हो गया। इस मैच में बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की शानदार गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 127 रन बना सकी। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 22 रन खर्च कर 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन संतो ने सबसे अधिक 54 रन बनाए। पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 128 रन का लक्ष्य मिला। पाकिस्तान के लिए करो या मरो के इस मैच में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने संभल कर शुरुआत की। दोनों ने 63 गेंद पर 57 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को जीत के तरफ अग्रसर कर दिया। बाबर आजम 33 गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे, वहीं मोहम्मद रिजवान 32 गेंद पर 32 रन की पारी खेलकर आउट हुए। पाकिस्तान का दूसरा विकेट मोहम्मद रिजवान के रूप में 61 रन पर गिरा। यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 52 गेंद पर 67 रन की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद हरीस और शान मसूद ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को इस मैच में 5 विकेट शेष रहते जीत दिला दिया और इस तरह पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई।